हेलो स्टूडेंट, आज हम अवकलन के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अवकलनीयता के बारे में अध्ययन किया, आज हम अवकलन के बारे में अध्ययन करेंगे। सममित फलनों का अवकलज ठीक उसी प्रकार परिभाषित किया गया है जिस प्रकार एक चर के वास्तविक फलन का अवकलज परिभाषित होता है। कोई चर है, उसके वास्तविक फलन का जो अवकलज है वो परिभाषित होता है, उसी प्रकार सममित संख्या के लिए भी क्या है, अवकलज परिभाषित किया गया है। अवकलज की परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो अंकगणित की परिमेय संक्रिया होता है, सीमा की संकल्पना, जो सीमा है उसकी संकल्पना पर क्या है, आधारित है, जो वास्तविक प्रांत से लेकर सममित प्रांत में जाने पर कोई उसमें चेंज नहीं होता है, परिवर्तनीय होती है। तो कॉन्सिक्वेंटली परिणामतः वास्तविक फलनों के अवकलज के सभी नियम सममित फलनों के अवकलज पर ही लागू होते हैं। जो वास्तविक फलन के लिए अवकलज के नियम हैं वही सममित फलनों पर लागू होते हैं। तो यदि एफ जेड तथा जी जेड किसी प्रांत, कोई प्रांत डी में अवकलनीय है, तो पहला नियम आता है योग के लिए। योग का कैसे करोगे, डी वाई डी जेड एफ ऑफ जेड प्लस जी जेड बराबर क्या होगा, डी वाई डी जेड एफ ऑफ जेड प्लस डी वाई डी जेड इंटू जी जेड। माइनस के लिए क्या होगा, डी वाई डी जेड एफ ऑफ जेड माइनस जी जेड, तो दोनों का अलग अलग करोगे अवकलज अवकलन, डी वाई डी जेड एफ ऑफ जेड माइनस डी वाई डी जेड जी जेड। अब एफ ऑफ जेड का कर रहे हैं डी वाई डी जेड के साथ, इसको एफ डैश मान लिया, उसको जी जेड, तो एफ डैश प्लस जी जेड डी जेड जी डैश एफ डैश जेड माइनस जी डैश जेड। दूसरा नियम है कोई चर हो और कोई चर हो, तो उसका कैसे करते हैं, डी वाई डी जेड सी इंटू एफ ऑफ जेड, सी क्या है अचर है, तो अचर क्या आ जाता है इसमें, बाहर आ जाता है, सी बाहर आ जाएगा, तो डी वाई डी जेड इंटू एफ ऑफ जेड। तीसरा है गुणा के लिए, डी वाई डी जेड एफ ऑफ जेड इंटू डी जेड, तो क्या होगा, पहला फर्स्ट एडिटिव देता है, सेकंड का क्या होगा अवकलन होगा, तो एफ ऑफ जेड इंटू डी वाई डी जेड इंटू जी जेड प्लस जी जेड इंटू डी वाई डी जेड इंटू एफ जेड। तो डी वाई डी जेड इंटू जी जेड का मान कितना है, जी डैश, और डी वाई डी जेड इंटू एफ जेड का मान कितना है, एफ डैश जेड, तो एफ ऑफ जेड इंटू जी डैश प्लस जी जेड इंटू एफ डैश जेड। इसके बाद भागफल के नियम, भागफल के लिए अवकलज का नियम, डी वाई डी जेड इंटू एफ ऑफ जेड बटे जी वाई जेड जी जेड, तो बराबर क्या होगा, जो हर में होता है वो एजिटी, जी ऑफ जेड इंटू डी वाई डी जेड एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ जेड इंटू डी वाई डी जेड इंटू जी ऑफ जेड बटे इसका स्क्वायर, जी ऑफ जेड का स्क्वायर। इसके बाद डी वाई डी जेड एफ ऑफ जेड है उसकी जगह एफ डैश लिख दो, और जी जेड है तो उसका जी जेड जी डैश लिख दो। जहाँ यदि जी ऑफ जेड का मान क्या हो, नॉट इक्वल टू जीरो, जब भी डिफाइन होगा ये अवकलज। अब फलन के फलन का अवकलन कैसे करते हैं, फलन के फलन का अवकलन कैसे करते हैं, उसके लिए होता है चेन रूल, जिसे श्रृंखला नियम बोलते हैं। एफ ऑफ जेड बराबर होता है फाई इंटू जी जेड, तो कैसे करोगे, डी वाई डी जेड एफ ऑफ जेड बराबर होगा एफ फाई डैश, इसका तो जाएगा फाई डैश, इसके बाद जी जेड का और करेंगे किसके हिसाब पे, जेड के हिसाब पे, तो उसका क्या माना, जी डैश जेड। तो अवकलज की जो डेफिनेशन है उसको आसानी से यहाँ से समझा जा सकता है, तथा ये इसके लिए योग के लिए, गुणा के लिए, भागफल के लिए, तथा फलन के फलन का अवकलज कैसे करते हैं, जिस भी प्रकार के क्वेश्चन हो उनमें इन छः प्रॉपर्टियों को यूज किया जा सकता है। इसके बाद आता है एनालिटिक फंक्शन, विश्लेषिक फलन। कोई फलन एफ जेड किसी बिंदु जेड जीरो पर विश्लेषिक फलन कहलाता है यदि एफ ऑफ जेड जेड नॉट के कम से कम एक प्रतिवेश में प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। ये डेफिनेशन इस प्रकार से कह सकते हैं, कोई भी किसी प्रांत में विश्लेषिक फलन कहलाता है कोई फलन यदि उस प्रांत की प्रत्येक बिंदु पर क्या हो, अवकलनीय हो। विश्लेषिक फलन को होलोमार्फिक फंक्शन भी कहते हैं। यदि किसी बिंदु जेड नोट पर फलन एफ ऑफ जेड विश्लेषिक नहीं है तो उस बिंदु जेड नोट को एफ जेड का विचित्र बिंदु अर्थात सिंगुलर पॉइंट या एफ ऑफ जेड की सिंगुलरिटी विचित्रता कहते हैं। किसी फलन की विचित्रता या कोई फलन एनालिटिक है उसको हम निम्न उदाहरणों से समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल जैसे एफ ऑफ जेड बराबर जेड स्क्वायर, ये क्या है, विश्लेषिक फलन है, चूंकि जेड स्क्वायर है, चूंकि जेड बराबर जानते हैं एक्स प्लस आयोटा बाई होता है, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बहुपदी फलन आ जाएगा, चूँकि हम जानते हैं बहुपदी फलन हमेशा क्या होते हैं, अवकलनीय होते हैं, तो अवकलनीय होगा तो क्या होगा, ये विश्लेषिक फलन होगा। प्रत्येक सम्मिश बहुपद एक विश्लेषिक फलन होता है, चूंकि प्रत्येक सम्मिश बहुपद क्या होता है, अवकलनीय होता है, तो ये क्या होगा, विश्लेषिक होगा, क्योंकि मैंने बताया कि प्रांत के किसी बिंदु पर अवकलनीय होना चाहिए।
एफ ऑफ जेड बराबर मोड जेड का स्क्वायर विश्लेषिक फलन नहीं है, चूंकि ये जेड बराबर जीरो के अतिरिक्त मॉडुलस मोड और जेड होता है वो जेड बराबर जीरो के अतिरिक्त कहीं भी अवकलनीय नहीं है, तो इसलिए विश्लेषिक फलन नहीं है। एफ ऑफ जेड बराबर वन अपॉन वन माइनस जेड, चूंकि ये जेड बराबर वन पे क्या नहीं है कि जेड बराबर वन को छोड़ सभी बिंदुओं पर विश्लेषिक है, चूंकि जेड बराबर वन पर क्या है ये विचित्रता आती है, जेड बराबर वन पर क्या आएगी यहाँ पे विचित्रता आती है, सिंगुलरिटी आती है, और जेड बराबर वन पर क्या है ये अवकलनीय नहीं है, अतः जेड बराबर वन को छोड़ सभी बिंदुओं पर क्या होता है विश्लेषिक होता है। एफ ऑफ जेड बराबर जेड की जेड बार, चूँकि इसके बारे में मैंने पिछले कक्षा में आपको पढ़ाया कि ये इससे हम दो प्रकार के पद प्राप्त होते हैं, कि एक्स अक्ष के अंदर से बाई एक्स के अंदर, तो इसकी भी सीमा क्या है विद्यमान नहीं है, अर्थात ये फलन क्या है अवकलनीय नहीं है, प्रत्येक बिंदु पर क्या नहीं है अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीय नहीं है तो क्या होगा विश्लेषिक फलन नहीं है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है विश्लेषिक फलन के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, नेसेसरी एंड सफिशियंट कंडीशन फॉर एफ ऑफ जेड टू बी एनालिटिक। तो पहली नेसेसरी कंडीशन, आवश्यक प्रतिबंध क्या है, फलन एफ ऑफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी, यू और वी किसके फंक्शन है एक्स और वाई के, किसी प्रांत डी में विश्लेषिक होने के लिए आवश्यक प्रतिबंध है कि उस प्रांत में यू तथा वी कोसी रीमान सी आर समीकरण को संतुष्ट करते हैं, अर्थात डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर डेल यू अपॉन डेल वाई सेमी कॉलन डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स। तो ये प्रूव करना है कि कोसी रीमान विश्लेषिक फलन है वो कोसी रीमान समीकरण को संतुष्ट करते हैं, तो इसका प्रूफ देखें, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है नेसेसरी कंडीशन वाली। माना एफ जेड प्रांत डी में विश्लेषिक फलन है, तब डी के प्रत्येक बिंदु पर एफ डेड जेड अद्वितीय रूप से विद्वान होगा, विश्लेषिक इसका मतलब अवकलनीय है जब, तो क्या विश्लेषिक है तो अद्वितीय रूप से विद्वान होगा, अर्थ प्रत्येक जेड बिलोंग्स टू डी के लिए। एफ डेड जेड बराबर लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड बटे डेल्टा जेड। तो चूंकि एफ ऑफ जेड का मान किस रूप में है, यू ऑफ एक्स वाई एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी ऑफ एक्स कोमा वाई, तो इसमें एक्स की जगह क्या लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई की जगह वाई प्लस डेल्टा वाई, तो यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा इंटू आयोटा वी वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ ऑफ जेड का मान लिख देंगे यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कोमा वाई बटे नीचे डेल्टा जेड का मान कितना होगा डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई, तो इसका मान क्या होगा एडिटिव रूप से विद्वान होगा, क्योंकि पहले कहा है कि एफ डेड जेड का मान क्या होगा एडिटिव रूप से विद्वान है, चाहे डेल्टा जेड किसी पक्ष के अंदर शून्य को अग्रसर होता हो एक्स के अंदर बस अग्रसर होता हो या वाई एक्स के अंदर अग्रसर होता हो, इसका मान एडिटिव रूप से विद्वान होगा। इसके लिए अब दो कंडीशन बन गए, पहला केस क्या है जब डेल्टा जेड एक्स अक्ष के अंदर शून्य को क्या होता हो अग्रसर होता हो, तब डेल्टा जेड बराबर क्या होगा डेल्टा एक्स होगा तथा डेल्टा वाई का मान कितना होगा जीरो होगा, अतः जो समीकरण एक है उससे समीकरण एक से एफ ऑफ एफ डेड जेड बराबर होगा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड, तो बराबर क्या होगा लिमिट भी क्या हो जाएगी डेल्टा जेड बराबर होता है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई और डेल्टा वाई का मान कितना जीरो, तो डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस आयोटा बी एक्स कोमा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, तो यू वाली टर्मों को एक साथ रखते हैं तथा वी वाली टर्म को एक साथ, तो यू ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस यू ऑफ एक्स कोमा वाई बटे डेल्टा एक्स प्लस आयोटा कॉमन ले लेंगे, तो आयोटा कॉमन लिया उसके बाद क्या बचा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो वी ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस बी ऑफ एक्स कोमा वाई बटे डेल्टा एक्स, चूँकि ये फॉर्मूला किसका बन गया डेल्टा डेल यू अपॉन डेल एक्स का प्लस आयोटा इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो ये क्वेश्चन नंबर दो। इसके बाद सेकंड केस क्या लेंगे जब डेल्टा जेड वाई एक्स के अंदर शून्य को अग्रसर होता हो, तो पहला केस तो लिया एक्स एक्स के अंदर शून्य को अग्रसर होता हो, सेकंड केस लेंगे वाई एक्स के अंदर शून्य को अग्रसर होता हो, तब डेल्टा जेड का मान कितना आएगा, चूँकि डेल्टा वाई एक्स के अंदर है तो डेल्टा एक्स का मान कितना होगा जीरो होगा, तो डेल्टा जेड बराबर होगा आयोटा इंटू डेल्टा वाई, अतः समीकरण एक से एफ डे जेड बराबर क्या होगा लिमिट ऑफ चूंकि डेल्टा जेड का मान क्या आ जाएगा लिमिट किसको टेंस टू करेगी, चूंकि डेल्टा जेड बराबर होता है डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का मान कितना है जीरो, तो डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, तो लिमिट ऑफ डेल्टा जेड वाई टेंस टू जीरो यू ऑफ एक्स, तो इसमें डेल्टा वाई डेल्टा एक्स बराबर जीरो रखने पर तथा डेल्टा जेड बराबर आयोटा इंटू डेल्टा वाई रखने पर समीकरण एक में तो क्या प्राप्त होगा लिमिट ऑफ डेल्टा वाई टेंस टू जीरो यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आयोटा इंटू बी बी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एक्स कॉमा वाई प्लस आयोटा इंटू बी एक्स कॉमा वाई बटे
डेल्टा जेड का मान क्या लगोगे, आयोटा इंटू डेल्टा वाई। इसके बाद यू वाली टर्म को एक साथ सेपरेट कर लो और बी वाले को एक साथ सेपरेट करने पर, तो लिमिट ऑफ डेल्टा वाई टेंस टू जीरो यू ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू ऑफ एक्स कॉमा वाई बटे आयोटा इंटू डेल्टा वाई प्लस लिमिट ऑफ डेल्टा वाई टेंस टू जीरो। चूँकि आयोटा कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो वी ऑफ एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस बी ऑफ एक्स कॉमा वाई बटे डेल्टा वाई। तो इसके बाद क्या है अपना, चूँकि ये फॉर्मूला है आपका वन अपन आयोटा, इसमें कॉमन आ रहा है तो वन अपन आयोटा कॉमन ले लिया, तो क्या है डेल्टा डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। तो सेकेंड जो इक्वेशन है उस टर्म में इसको लिखेंगे, तो इसके लिए हमने इसको आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई प्लस आयोटा इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। चूँकि इसको हमें, इसके लिए हमने क्या किया, मतलब आयोटा से भी भाग दे दिया, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई माइनस आयोटा इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई। तो सेकंड इसको इक्वेशन नंबर तीन नाम दे दिया, चूँकि हमें दे रखा है कि इसका जो अवकलज है वो अद्वितीय रूप से विद्यमान है, अतः इक्वेशन दो और इक्वेशन तीन को बराबर करने पर, तो एफ डैश जेड बराबर डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स प्लस आयोटा इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल करने में डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई माइनस आयोटा इंटू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई, इसको इक्वेशन नंबर चार नाम दिया। अतः वास्तविक एवं काल्पनिक भागों की तुलना करने पर, तो वास्तविक भाग को एक साथ लिखोगे तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा एक्स बराबर किसके बराबर है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई के, तथा काल्पनिक भाग को बराबर करोगे तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा वाई बराबर है माइनस के डेल्टा वी अपॉन डेल वी अपॉन डेल एक्स के। तो ये जो इक्वेशन आई है इसे कोसी रीमान समीकरण कहते हैं। तो आपको जो आज पढ़ाया है कि अवकलज के नियम क्या हैं तथा विश्लेषिक फलन क्या है और विश्लेषिक फलन के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध क्या है, इसके बारे में आप जब भी आपको टाइम मिले पढ़ें, ठीक है।